एक कढ़ाई में गरम तेल लीजिए, उसमें राई के सीड्स डालिए, उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल दीजिए। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालने के बाद उसमें बारीक कटी हुई कैबेज डालिए और उसको मिक्स करिए उसको 2 से 3 मिनट तक। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग नमक मिलाएंगे और मिर्ची। मिर्ची मिलाने के बाद हम लोग बासी कटी हुई कुछ रोटियां हैं, या आप ताज़ी रोटियों के साथ भी बना सकते हैं, इसको हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लोग इसमें थोड़ी देर बाद बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। नमक और मिर्च मैंने दोनों इस बार डाली है आधी आधी करके, जितना आपको मसाला चाहिए ताकि थोड़ा अच्छे से भुन जाए। इसमें हल्दी डाल दीजिए और अब हम डालते हैं इसमें भुनने के बाद थोड़ा सा टमाटर। टमाटर को मैंने चॉप कर डाला है, आप देख सकते हैं कि मैं टमाटर ऐसे चॉप करके डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद इसको पकाइए और जब तक ये पकता है उस रोटी थोड़ी सूख जाती है, इसलिए हम इसमें एक टिप है, वो है दूध डाल देंगे 2-3 बड़ा चम्मच।